अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। बहुत ही अच्छी रेमेडी के साथ जी, बिल्कुल आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं अपनी झुर्रियों से, स्किन पर फाइन लाइन्स, रिंकल्स, डार्क सर्कल, तो अब इन सब से आपको निजात मिल जाएगी बहुत ही कम बजट और घर में ही मौजूद चीज़ों से। हम बनाएंगे एक ऐसी नाइट क्रीम जो 10 दिन में आपकी स्किन जवान कर देगी, स्किन को टाइट कर देगी, फ्रेकल ख़त्म कर देगी, डार्क सर्कल ख़त्म कर देगी, चेहरे के दाग धब्बे भी ख़त्म करेगी और हेल्दी स्किन बनाएगी, बिल्कुल 10 दिन में गारंटेड। ठीक है, तो जी रेमेडी स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी नायाब वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच जाए। जी तो बिल्कुल रेमेडी स्टार्ट करते हैं। हमें चाहिए वैसलीन। वैसलीन आपने अच्छी सी कंपनी की लेनी है जी। वैसलीन से अक्सर लोग परेशान होते हैं कि ये स्किन को ब्लैक करती है, स्किन की हमारी स्किन को डल कर देती है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। जो चीज़ें हम इसमें ऐड करेंगे ना, तो ऐसी स्किन आपकी नहीं होगी, ब्लैक भी नहीं होगी। मैं आपको गारंटी कहती हूँ, शर्तिया कहती हूँ, ठीक है, गारंटी दे रही हूँ आपको, हमें स्किन आपकी ब्लैक नहीं होगी। लेकिन जो चीज़ें हम इसमें ऐड करेंगे ना, आपने वो चीज़ें इस पर ऐड करनी है, तो आप फेस पर लगाएंगे, आपकी स्किन मज़ीद हेल्दी होगी, स्किन आपकी टाइट होगी। तो एक चम्मच के बराबर हमने वैसलीन ले ली है और जो उसमें हम ऐड करेंगे हैं खोपरे का तेल। खोपरे का तेल आपके घर में ही मौजूद होगा, तो ये भी हमने एक चम्मच के बराबर लेना है। स्किन को आपकी शाइनिंग करेगा, ग्लो करेगा और स्किन को वाइट इफ़ेक्ट देगा ये, ठीक है, इसीलिए हमने ये इसमें ऐड किया है। बिना साइड इफ़ेक्ट, ये जो हम रेमेडी तैयार कर रहे हैं इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है जी। तो तीसरी चीज़ है ऑलिव ऑयल, जैतून का तेल, ये हमने एक चम्मच लेना है। सब हमने चीज़ें बराबर बराबर ऐड करनी है, जितनी हमने वैसलीन ली है उतनी ही हमने बाकी चीज़ें ऐड करनी है। अगर हमने दो चम्मच वैसलीन ली है तो हम दो दो चम्मच ऐड करेंगे। तो वैसलीन हो गई, खोपरे का तेल हो गया, जैतून का तेल हो गया, अब हमने जो चौथी चीज़ लेनी है वो है शहद। शहद हमारी स्किन की जितनी भी रिंकल्स हैं फेस पर, मैं कहती हूँ इन सब को ही ख़त्म करेगा, उनको भरेगा और जो आपकी स्किन पर डार्क सर्कल हैं इनको भी ख़त्म करेगा। तो इसीलिए ये हमने ऐड किया है, मज़ीद आपकी स्किन शाइनिंग करेगी, ग्लो करेगी। मैं कहती हूँ जो चीज़ें हम इसमें ऐड कर रहे हैं ना, सब जादुई हैं, जादुई चीज़ें हैं, बिना साइड इफ़ेक्ट चीज़ें हैं और बहुत अच्छी हैं, ठीक है। इन तमाम चीज़ों को हमने मिक्स कर लिया है। अब हमने किसी भी गर्म सी पानी में इस बाउल को हमने रख देना है। अगर आपके पास ओवन है तो आप ओवन में रख सकते हैं एक मिनट तक, तो ताकि ये मेल्ट हो जाए, जितनी हमने चीज़ें ऐड की हैं ये मेल्ट हो जाए। मैंने गर्म पानी में ये कटोरी रख दी थी, तो देखिए कितनी अच्छी मेल्ट हो गई थी मेरी वैसलीन और इसमें सब चीज़ें मिक्स अच्छे से हो गई हैं, ठीक है। ये मैंने निकाल के साइड पर रख दिया था। रूम टेम्परेचर पर आने को वेट करना है, जब ये ठंडा हो जाएगा, रूम टेम्परेचर पर आ जाएगा नॉर्मल, तो फिर हमने दो चीज़ें इसमें ऐड करनी है। एवियन कैप्सूल 400, ये आपको किसी भी मेडिकल स्टोर से आसानी मिल जाएगा, ठीक है, तो ये आपने ले लेना। ये एक कैप्सूल हमने इसमें ऐड कर देना है, ठीक है। आप गौर से देखिए, एवियन ही लेना है आपने, दूसरा जो नॉर्मल मिलते हैं वाइटनिंग के लिए वो नहीं लेना, आपने यही लेना है। फिर ये हमने इसमें एक ऐड कर देना है। विटामिन ई का कैप्सूल खाने में भी अच्छा है, हमारे बालों के लिए, स्किन के लिए बहुत अच्छा है जी। तो दूसरी चीज़ हमें चाहिए है एलोवेरा जेल। ये हम एलोवेरा जेल हमने ये लास्ट में ऐड करना है, ठीक है, और ये हमने एक चम्मच के बराबर ऐड करना है। इसमें अच्छे से हमने ऐड करके क्रीम को हमने मिक्स कर देना है। ये हमारी होगी क्रीम तैयार। मैंने 15 दिन के लिए तैयार की है अपनी वालदा के लिए। जब जब ये क्रीम ख़त्म होती है अपनी वालदा के लिए यही बना लेती हूँ, और सर्दी आने वाली है वैसे भी, तो ये स्किन को अभी से हम अपनी स्किन की केयर करेंगे, स्किन को ये रिपेयर करेगी, फाइन लाइन्स आने से रोक लेगी, स्किन पर झुर्रियाँ आ जाती है, स्किन अकड़ सी जाती है सर्दियों में, तो ऐसा सर्दियों में बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर ये आप अभी से बना कर रख लेंगे, अपने फेस पर लगाते रहेंगे, आपकी सर्दियों में स्किन डल भी नहीं होगी, वाइट भी रहेगी, झुर्रियाँ भी नहीं आएंगी, स्किन फटेगी भी नहीं। आप ये अपने हाथ पाँव पर लगा सकते हैं, बच्चों को लगा सकते हैं, बड़े बूढ़े जवान छोटे सब लगा सकते हैं, ठीक है, कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। इसको फ्रिज में नहीं रखना, हमने क्रीम को अपने कमरे में ही रखना है, और जब भी रात को आपने अपना हाथ पांव धोने हैं, मुंह धोना है, आपने ये लगा लेना है, अपने फेस पर लगा लेना है, मसाज कर देना है अच्छे से, सॉफ्ट सॉफ्ट हाथों से, बिल्कुल रगड़ना नहीं है, बस स्किन में हमने ये जज्ब करना है, और हमने हाथों पर भी लगा लेना है, पाँव पर भी। मैं कहती हूँ जितने भी रिंकल्स, फाइन लाइन्स है, सब ख़त्म हो जाएंगे इस जादुई रेमेडी से। तो ये बहुत अच्छी मैंने आपको क्रीम बनाकर दी है, ये आपने ज़रूर ट्राई करनी है, और कमेंट में मुझे इसका रिज़ल्ट ज़रूर बताना है कि कैसी लगी आप। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेमेडी बहुत पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक कर दें। कल की वीडियो में फिर आऊँगी, एक बहुत ही अच्छी रेमेडी लेकर आऊँगी, 101% रिज़ल्ट होगा। तो मिलते
मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।